दिस इज सिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है जन्माष्टमी। आई नो ये वीडियो कल या परसों मैं अपलोड करूँगी, बट आज ये आप सबको मेरे साइड से हैप्पी जन्माष्टमी। तो श्री कृष्ण जी आप सभी के विशेष को पूरा करें। तो आज मेरा और मिर्दी का फास्ट है, मतलब हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। आपने इससे पहले वाला जो ब्लॉग देखा होगा उसमें मैंने शॉपिंग की थी, मतलब जो चीज़ें खरीदनी थी पूजा के लिए वो सब चीज़ें उस ब्लॉग में मैंने लिया था। और एज़ यूजुअल मुझे यहाँ का व्यू बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादा शूट मैं यही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ का व्यू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हर साल ऐसे पूजा करते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4, ये 4, और इसके बाद नहाने जाऊंगी, फिर रेडी हो जाऊंगी और उसके बाद पूजा का तैयारी शुरू हो जाएगी। मैं नहाई नहीं हुआ, ऊपर से यहाँ पिंपल हो गया तो फेस और भी ज़्यादा गंदा दिख रहा है। तो नहाने के बाद मैं और अच्छी दिखूंगी, मतलब अच्छा ड्रेस चीज़ दिखा रही हूँ। आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे फ्लैग, तो मैंने इंडिपेंडेंस डे के लिए वही वाला जगह पर शूट किया था। तो ब्लॉग मैं इसलिए अभी शूट कर रही थी क्योंकि ना सुबह से मैं घर की सफाई में लगी हुई थी जी के साथ, इसलिए अभी टाइम मिला तो मैं ब्लॉग अभी शूट कर रही हूँ। उसके बाद फिर आज का मौसम है बहुत ज़्यादा अच्छा, लग रहा है कि बारिश होने वाली है। अच्छा वैसे बारिश हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी है, तो बारिश तो फेस बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा है। अभी मैंने दी ने थोड़ा सा मालिश कर दिया ना, क्योंकि शैम्पू करना था नहा के। और अभी मैं जा रही हूँ, इसमें बहुत ही क्यूट सा बास्केट है, मैं फ्लावर्स तोड़ने जा रही हूँ। मेरा पिंपल कितना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा थी, तो मैं आ गई हूँ, मुझे फ्लावर्स तोड़ना है क्योंकि शाम को तोड़ नहीं सकते, तो मुझे अभी तोड़ना पड़ेगा। और नहीं तोड़ो, कल ही नहीं तोड़ा जाता है। तो बस इतने ही फूल है, इतने फ्लावर्स, बाहर जाके देखते। मुझे भूख लग रही है और थोड़ा सा प्यास तो ज़्यादा ही लग रहा है, गर्मी से परेशान। तो फटाफट अपने बाल को फोल्ड कर लेती हूँ। आज जो मैं कुर्ती पहनने वाली हूँ वो दी का है। वैसे आपको पता ही होगा कि मैं फेस्टिवल्स में ही सिर्फ कुर्ती ट्रेडिशनल यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैं नॉर्मली कुर्ती। वैसे अभी रेडी नहीं हुई हूँ मैं, बस नहा के जस्ट आई हूँ। अभी मुझे बहुत सारा काम है, मतलब जो भी चीज़ डेकोरेशन का होगा या फिर जो पूजा का तैयारी होगा वो मैं शुरू करने वाली हूँ अभी। तो अभी मैं जा रही हूँ चीज़ों को। हाय अनु, कैसी हो, कहाँ जा रहे हो सब, आ जाओ। तो ये देखो, ये अभी पूरा रूम ऐसे बिखरा हुआ है, मुझे यही सब चीज़ों को सेट करना है अच्छे से। उसके बाद वहाँ पे हमारा पूजा रूम है, तो वहाँ पे ये मंदिर तो वहाँ पे रखना है। तो अभी बहुत सारा काम है। और दी यहाँ पे अच्छे से मंदिर को सजा रही है, मैं डेकोरेट कर रही है, फिर बाकी काम बाद में होगा, तब तक के लिए दीदी रेडी कर रही। अरु पूजा नहीं करना, इधर देखो ना पहले, पूजा कर रहा है आज। आरुष क्या है, आज तुम क्या है बनाया आज? आज हाँ, क्या बनाया तुम आज? ई बनाया। क्या बनाया? चलाता टोपी। क्या चलाता? अभी इसको नहीं छूना, इसको रख दो, जो पहनना रखी। अभी नहीं पहना, उधर उठो ना, तुम पहले उठो, उठो ना, हाँ जाओ वहाँ जाओ, जाओ इधर देखो इधर। आज तुम क्या बनाया, आज क्या बनाया? क्या बहुत ही नटखट गोपाल, क्या हो रहा है? आरुष तू कृष्ण जी बना, हाँ राधा किधर है? किधर, मैं हूँ राधा, तू मैं राधा। आरुष आज क्या है? आरुष बोलो ना, हैप्पी जन्माष्टमी बोलो, आप सभी को मेरे साइड से हैप्पी जन्माष्टमी बोलो, बोलो उधर, बोलो ना, देखिए इधर, बोलो बाय बाय, बोलो बाय बाय। आज के दिन में मतलब लाइट काट देते हैं। अभी मैं किचन में आ गई और इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि दी ने खाना बनाया, और मुझे तो भूख लग रही है अभी से ही, लेकिन अभी बारह ही नहीं बज रहा है और दी बना रही है। वैसे सब्जी तो रेडी हो चुका है, बना रही है क्योंकि काबली चना का सब्जी ऑलरेडी बन चुका है, आपको दिख रहा होगा, और खीर बनेगा अभी। पता नहीं दीदी के पास कितनी एनर्जी वो बनाए जा रही है, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, फेस इतना डाउन हो गया। वैसे मैंने अभी कुछ मेकअप वगैरह किया नहीं, इसलिए ऐसे दिख रही हूँ, मेकअप के बाद अच्छी लग रही है। एंड इट्स 11:40 PM, तो अभी से पूजा स्टार्ट हो गया है। तो दी यहाँ पे पूजा, अभी कुछ कुछ चीज़ें बची थी उसको रेडी कर रही है, उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे के बाद।
स्पीड, मैं तो साइड में बैठी हूँ, तो दी अच्छे से कर रही है कि किसको अच्छे से पूरा पता है कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ें कब कब यूज़ करना है, उसको अच्छे से पूजा करने आता है, और मैं बस अभी देख ही रही हूँ। तो फिर हम सब पूजा करेंगे अच्छे से, एकदम श्रद्धा से भगवान को नाम ले करके, और मैं प्रे करूँगी, और हम सब प्रे करेंगे कि सब खुश रहे और भगवान सब की विशेष पूरी करे। तो अभी पूजा स्टार्ट हो गया है, आप लोग भी देखो मेरे साथ। और यहाँ दी मतलब जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, उनको खीरा के बीच और कुछ फूल को बीच फूलों के बीच रखा जाता है। उसके बाद इनको नहलाया जाता है, जिसको पंच अमृत बोलते हैं, जिससे घी, दही, शहद, पानी, गंगा जल और इन सब चीज़ों से उनको नहलाया जाता है। फिर उन्हें रेडी किया जाता है। उसके बाद फिर दी ये सब चीज़ें कर रही है और मैं साइड में बैठ के उसके साथ देख रही हूँ, और मैं भी कर रही हूँ। उसके बाद फिर हमने आरती की, पूजा हुआ और पूरे घर में हमने दिया दिखाया और प्रसाद खाया। उसके बाद फिर हमने ऐसे लड्डू गोपाल जी का उनका जन्मदिन ऐसे मनाया, हमने अच्छे से सब कुछ करने की कोशिश की, और भगवान हम सबको हमेशा खुश रखे, जिसकी जो भी जिसकी विशेष हो भगवान उसकी पूरी करे। तो फिर ठीक है, आज बज रहे हैं सुबह के 10, और पता नहीं मैं यहाँ पे इतना लेट क्यों उठ रही हूँ। तो आई नो कल मैंने अच्छे से शूट नहीं किया पूरा, जो जन्माष्टमी में पूजा वगैरह हुआ, क्योंकि सब बिज़ी थे पूजा में, और मैंने बोला था कि शूट कर देना, बट सब बिज़ी थे इसलिए अच्छे से किसी ने शूट नहीं किया। और मैं भी तो, मेरा तो कल फास्ट था, कल पूरे दिन मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ मैंने पिया भी नहीं। तो फिर रात को जो पूजा ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आप खा सकते हो 12 बजे के बाद, लेकिन आप पूरे दिन भूखे रहो और फिर डायरेक्ट रात को खाना खाओ, वो डाइजेस्ट तो होता नहीं, मेरे से भी नहीं हुआ। तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि मेरे से खाया ही नहीं गया, तो मैंने बस एक मोतीचूर का लड्डू और एक गिलास पानी पिया, और फिर मैं सो गई। और अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, पता नहीं क्यों मुझे बहुत वीकनेस हो रहा है। वैसे मैं हर साल रखती हूँ, मुझे फास्ट रखने में कोई दिक्कत कभी नहीं हुई, बट इस बार थोड़ा सा मुझे वीकनेस हो गया, पता नहीं क्यों। तो फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई नो कि थोड़ा वीडियो अच्छी नहीं थी, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सब अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, पक्का बता देना। आई नो अच्छा नहीं था, फिर भी देखना और सपोर्ट करना प्लीज़। मैं ट्राई करूँगी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। तब ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड आई विश कि श्री कृष्ण जी आप सभी की विशेष को पूरा करें, आप सबको खुश रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।